जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। आज हम आपको बताएंगे आरपीएफ में जो हाइट, हमको हाई जंप मारनी है, लॉन्ग जंप मारनी है, प्लस में 1600 मीटर रनिंग। तो आज हम पहले एक वीडियो डाल चुके हैं हाई जंप के लिए, और लॉन्ग जंप की वीडियो भी बीच में लेके आएंगे, लेकिन आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हाई जंप के लिए। तो आरपीएफ में हाई जंप कितना चाहिए? चार फीट। तो हमको जो 4 फीट कूदना है, तो इसकी तैयारी आप लोग कैसे करें? अगर आपके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, अगर आप कहीं पे नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप पहले एक रेत का जो है, 2000 रुपये की रेत आती है, एक गड्ढे को खुदवाएं। गड्ढे को खोदने के बाद में उसको रेत को, जो वजुआ रहेगा, उसको इतना इतना पूरा आप कवर करेंगे, क्योंकि जब हाई जंप मारेंगे तो आपकी जो पैर की जो एड़ी है, ये इसका मांस ना फटे, इसके लिए आपको वजुए की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहले ऐसा आप पूरा, अगर भसुआ पीछे भी रहता है तो उसको आगे लेके आइए, पूरा जितनी जगह आपको फ्लाइंग मारना है उतनी जगह पे भसुओं को पहले ज़्यादा रखिए। और इसके बाद में अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम कैसे नापें, 4 फीट को कैसे नापना है, हमको मेजर कैसे करें, तो आप टेंशन ज़्यादा ना लें। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट किया है, तो पहले 1 फुट पे कूदें, फिर 2 फुट पे कूदें, फिर 3 फुट पे, और फिर 4 फुट पे। ना कि आप प्रैक्टिस रोज रोज ऐसे करें कि डायरेक्ट 4 फिट लगाया और कूदना चालू किया, लेकिन हमसे बन नहीं रहा है, पैर का मांस फटना चालू हो जाए। इससे अच्छा है कि हम 2 फीट 3 फीट 4 फीट आराम से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो जो हम आज प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, वो वहाँ से आप लोग पूरी इस वीडियो को देखते रहिए कैसे फ्लाइंग मारना है। कुछ लड़के हैं स्ट्रेट फ्लाइंग मारेंगे, कुछ लड़के हैं साइड फ्लाइंग मारेंगे, तो इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद में साइड से कैसे स्ट्रेट मारना है और कैसे आपको फ्लाइंग मारना है, देखिए। चलो स्ट्रेट वाले आओ, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि पहले स्ट्रेट वाले ने बताया, फिर साइड से कैसे पूरा पैर को साइड से निकालना है, ना ज्यादा दौड़ना था, पास के पास में कैसे क्रॉस निकालना है। चलो नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फाउल भी होता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेचिंग लगाएं, वार्म अप में जाएं और फिर से आएं। चलो नेक्स्ट, हाँ। तो इस पूरी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमको हाई जंप मारना है। अगर फाउल भी होता है, पैर टच होता है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, फाउल होता है तो सबसे बड़ा है कि फाउल अगर होता है तो ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं देना है। धीरे धीरे पहले पैर को सेटअप्स को जमाओ, आपका रन वे सेट करो, इसके बाद फाउल जो है आपका दूर हो जाएगा। तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से लाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।